नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि औरत की कौन सी एक चीज देखने से व्यक्ति बन जाता है भिखारी से राजा। तो दोस्तों, कौन सी है वो चीज, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको एक बहुत जरूरी जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों, यदि औरत के ये अंग बड़े हैं तो वो है बहुत भाग्यशाली, पूरे घर की किस्मत चमका देती है और जिस भी घर में जाती है वहां पर पैसा तो ऐसे आता है जैसे मानो बरसता हुआ पानी। तो दोस्तों, कौन से हैं वो अंग, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूज्य माना गया है, उन्हें सबसे उच्च सम्मान प्राप्त है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कन्याओं के पूजन की परंपरा है। दोस्तों, गरुड़ पुराण और सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो इसमें महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, हर महिला की अपनी एक खासियत होती है, उसका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर या भाग्य है, इस सवाल का जवाब सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैरों और नाखूनों की स्थिति तक बताई गई है कि उसका क्या फल मिलता है। इसमें महिलाओं के अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। शायद यही वजह है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते हैं तो शारीरिक सुंदरता की बजाय बालिका के शारीरिक अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि महिलाओं के कौन से अंग अगर बड़े हैं तो वह पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती है और उसके भाग्य को बदलने वाली होती है और उनके लिए बहुत ही शुभ होती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, नंबर एक है लंबे और बड़े बाल। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पाहिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। अगर आप भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखेंगे तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। और दोस्तों, नंबर दो है लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो ऐश्वर्यशालिनी होती है, इसके पास संपूर्ण वैभव होता है और इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। और दोस्तों, नंबर तीन है ऊंचा बच स्थल। सामुद्रिक शास्त्र और भविष्य पुराण में लिखा गया है कि ऊंचे सुडोल और बड़े बच स्थल वाली महिलाएं सौभाग्यशाली होती हैं। इसके सुडोल बच स्थल धन संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक है। दोस्तों, प्राचीन देवी प्रतिमाओं में आप देख सकते हैं शिल्पकारों ने बड़े बच स्थलों को सौभाग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसी महिलाएं पति के लिए एक तरह से तारणहार होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। और दोस्तों, नंबर चार है मार्शल और पुष्ट जंघाएं। मार्शल और पुष्ट जंघाएं भी सौभाग्यशाली होने का प्रतीक होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाएं पुष्ट व मार्शल होती हैं तो वह औरत बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। इसके कारण ही पति को मकान और वाहन का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली और विकृत जंघाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। और दोस्तों, नंबर पांच है बड़ी बड़ी आंखें। बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। वे विदुषी, विवेकशील और बहुत ही समझदार होती हैं। यह पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती हैं। इसके रहते घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि महिला का वो कौन सा अंग है जिसको देखने मात्र से ही पति का भाग्य चमक जाता है और उसके घर में
कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। देवी का दर्जा प्राप्त करने वाली महिलाओं के चेहरे में कुछ ऐसा राज छुपा होता है। दोस्तों, यदि आप सुबह उठते ही अपनी माँ के या अपनी पत्नी का चेहरा देखते हैं तो उस समय धन का एक ऐसा संयोग बनता है जो आपको मालामाल बना देता है। क्योंकि दोस्तों, औरत को हमारे शास्त्रों में देवी लक्ष्मी के समान माना गया है। और दोस्तों, यदि आप सुबह उठते ही अपनी माँ के चेहरे को देखते हैं और उनके चरणों को स्पर्श करते हैं तो उस समय धन का एक ऐसा संयोग बनता है जो आपकी सोई हुई किस्मत चमका सकता है। दोस्तों, चाहे व्यक्ति कितना ही गरीब क्यों ना हो, यदि वो रोजाना ये काम करता है तो उसकी किस्मत बहुत जल्दी खुल जाती है और उसके ऊपर सदैव देवी लक्ष्मी और देवी देवताओं की कृपा बरसती रहती है। ऐसे लोगों का जीवन बहुत जल्दी सफल हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।